हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज फिर से आप लोगों के लिए एंडरसन की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कैंपी किराए का नरभक्षी। दोस्तों, आज की कहानी है तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे गांव की, जिसका नाम था कैंपी किराए। ये गांव क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा गाँव है, जो जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। ये घटना तब की है जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के कुछ भाग मिलकर मद्रास प्रेसिडेंसी बने थे। 1956 में मद्रास प्रेसिडेंसी को ख़त्म कर दिया गया और 3 अलग अलग राज्यों की स्थापना की गई। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये गांव पहाड़ियों की घाटियों में बसा हुआ है। इस गांव में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बार वहां क्या हुआ, एक मैनिटर एक्टिव हो गया। शुरुआत में तो किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जो एबनॉर्मल घटनाएं हो रही हैं वो टाइगर द्वारा की गई हैं। उस क्षेत्र में एक जंगली हाथी भी था, जो अक्सर आदमियों को नुकसान पहुंचाया करता था, जिसके वजह से लोग ये मानने लगे थे कि ये जान माल का नुकसान उस मनभड़ हाथी द्वारा किया जा रहा है। एक दिन एक नौजवान आदमी मुन्ना, जो केरला और तमिलनाडु में सटा हुआ एक प्लेस है, वो मुन्नार से कैंपी किराए के लिए निकला। ये यात्रा मात्र 7 से 8 घंटे की थी, लेकिन 2 से 3 दिन बीत गया, वो आदमी वापस अपने घर नहीं पहुंचा। उसके घर ना पहुंचने पर उसके घर वाले उसकी खोज में लग गए, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। रास्ते में उसके कुछ कपड़े उनको मिले, तब उन्होंने सोचा कि उस आदमी को उस जंगली हाथी द्वारा मार डाला गया है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। इसी तरह से एक महिला गायब हो गई। वो वाक्या कुछ इस प्रकार से था। शाम के समय वो औरत गांव के पास के कुएं से पानी भरने गई थी, जबकि उसके पति ने उसे इस समय कुएं पर जाने को मना किया था, क्योंकि उस समय काफ़ी शाम हो गई थी और आसपास ही उस जंगली हाथी का आतंक भी था। उसके पति के मना करने के बावजूद भी वो औरत पानी लेने गई, लेकिन रात हो गई और वो वापस नहीं लौटी। तब उसका पति एक मशाल जलाकर कुएं के पास ये जानने के लिए पहुंचा कि आखिर उसकी पत्नी अभी तक वहां पर क्या कर रही है। अभी तक उसको किसी भी अनहोनी का आभास नहीं था। रास्ते में वो अपनी पत्नी पर एकदम गुस्साए हुए जा रहा था और बड़बड़ाता हुआ बोलता जा रहा था कि उसके मना करने के बावजूद वो यहाँ पानी लेने आई है और अभी तक वापस नहीं लौटी है। आज तो उसको मैं सबक सिखा के रहूँगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी को बाघ उठा ले गया है। कुएं पर पहुँचते ही वो आदमी देखता है कि उसकी पत्नी जो घड़ा घर से लेकर आई थी वो वहीं ज़मीन पर लुढ़का पड़ा है और आसपास उसकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं है। उसने आसपास की ज़मीन पर कुछ खून की बूंदें देखी। अब वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ अपनी पत्नी को खोजने लगा, लेकिन उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला। वापस लौटकर वो खुद को दोषी ठहराने लगा, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी पत्नी पर गुस्साए जा रहा था। अगर वो कठोरता से अपनी पत्नी को घर पर ही रोक लेता तो आज शायद उसकी पत्नी बच गई होती। उससे पहले उस गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी जिससे लगता कि शाम को निकलना जोखिम भरा है। हाँ, आसपास के गांव में हाथी ने उत्पात मचाया था, लेकिन इस गांव की ये पहली घटना थी। अगली सुबह तड़के ही वो आदमी और लोगों को साथ लेकर अपनी बीवी को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुएं से कुछ दूरी पर उनको उस औरत के कुछ कटे फटे कपड़े मिले और साथ ही साथ बाघ के पंजे के निशान भी उनको दिखाई दिए। जमीन पर कुछ खून की बूंदें भी पड़ी थी। उन खून की बूंदों और बाघ के पंजों का पीछा करते करते उनको उस औरत की आधी खाई हुई लाश भी मिल गई। अंतिम संस्कार के लिए उस आधी खाई हुई लाश को गांव में लाया गया और उसी शाम को उसका अंतिम संस्कार उन लोगों ने कर दिया। अब उस गांव में आदमखोर बाघ का आतंक पूरी तरह से फैल गया था। शाम होते ही सब लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और अगले दिन जब तक अच्छे ढंग से सूर्य आसमान में ना उगाए तब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे।
जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पुराने समय में घरों में शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तब के लोग आसपास की खाली जगह पर ही शौच इत्यादि किया करते थे। ऐसे में वो लोग मजबूर हो गए थे कि रात में किसी भी कंडीशन पर वो लोग बाहर ना निकले। इसके कारण उस गांव में बीमारियां फैलने लगी। उसी गांव में एक मायरा नाम का आदमी रहता था। ये आदमी एंडरसन को काफ़ी पहले से जानता था। मायरा का दामाद भी उसी गांव में रहता था। उसके दामाद ने एक दिन ये निश्चय किया कि अब वो शौच करने के लिए पास के ही जंगलों में जाएगा। वो घर में मची हुई गंदगी से अब एकदम परेशान हो गया था। अब हर दिन रोज लगभग वो एक ही समय पर जंगल जाता और फिर वापस आ जाता। लेकिन एक दिन वो जंगल शौच करने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। रात भर उसकी बीवी उसको ढूंढने के लिए परेशान होती रही और वो रात में मायरा के पास पहुंची। मायरा ने कुछ और आदमियों को अपने साथ लिया और उस जगह की ओर चल पड़ा जिधर वो आदमी शौच करने के लिए गया था। वहाँ जाकर उन सभी लोगों ने खोजबीन की, तब उनको वहाँ उस आदमी के खून से सने कपड़े मिले और साथ ही उस जगह पर बाघ के पंजे के निशान उनको वहाँ देखने को मिले। अब वो लोग आश्वस्त हो चुके थे कि उस आदमी को बाघ ने मार डाला है। अभी तक तो मायरा भी शांत बना रहा था, लेकिन उसके दामाद की हत्या के बाद उसने एंडरसन से मिलने का निश्चय किया। वो लगभग 18 मील पैदल चलकर एक गांव में पहुंचा जहां उसका एक मित्र रहता था। उसका नाम था रंगा। रंगा और मायरा दोनों ही एंडरसन के पुराने परिचित थे। वो दोनों लोग एंडरसन को ये सब बताने के लिए उसके घर पहुंचे। एंडरसन ये खबर पाते ही अपनी मोटर गाड़ी से उस गांव के लिए निकल पड़े। उनके साथ मायरा और रंगा भी थे जो उनको रास्ता दिखाए जा रहे थे। मोटर गाड़ी से पहाड़ों की तलहटी पर पहुंचने के बाद उनको आगे की यात्रा पैदल ही तय करनी थी। अभी वो लोग गांव से 2 मील दूर थे तभी उनको बाघ के पंजे के निशान दिखाई दिए। ये जो बाघ के पंजे के निशान थे वो काफ़ी ताज़ा थे। अब वो लोग आगे बढ़ते समय और ज़्यादा सतर्क हो गए। जैसे तैसे वो लोग अपने गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद एंडरसन ने उस गांव में से 2 भैंसों को ख़रीदा और एक भैंस को उस जगह पर आकर बांध दिया जहां पर उन्होंने बाघ के पंजों के निशान देखे थे और दूसरी भैंस को वहां से कुछ दूरी पर एक समतल मैदान पर बांध दिया। इस जगह के सामने एक छोटा नाला बह रहा था और उन दोनों भैंसों को बांधने के बाद एंडरसन उस कुएं के पास आकर बैठ गए जहां से उस औरत को बाघ उठा ले गया था। अगर बाघ आसपास ही है तो हो सकता है कि वो बांधी गई 2 भैंसों में से किसी एक का शिकार करे, और या अगर वो पूरी तरह से आदमखोर बन गया है तो ज़रूर उस कुएं पर बैठे एंडरसन पर हमला करे। उस कुएं के चारों तरफ काफ़ी घने पेड़ थे। एंडरसन की योजना पूरे रात उस कुएं के पास बैठने की थी। घने पेड़ होने के कारण जब शाम होने लगी तो आसपास की जगह जो थी वो पूरे अंधेरे में डूब गई। ऐसे में बाघ को अगर एंडरसन का शिकार करना होता तो उसे ज़्यादा सावधानी से आने की ज़रूरत नहीं थी। वो किसी भी दिशा से हमला कर सकता था। लेकिन एंडरसन भी काफ़ी साहसी थे। उन्होंने एक टॉर्च भी लिया था अपने साथ। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करते रहे लेकिन बाघ वहाँ नहीं आया। इसलिए उन्होंने बाघ को आकर्षित करने के लिए कुएं से पानी निकालने की कोशिश की ताकि अगर बाघ आसपास ही कहीं हैं तो उन पर हमला करने की कोशिश करें। पूरी रात उस बाघ को खोजने के बाद सुबह 4 बजे के करीब उनको नींद आ गई। सुबह के समय मायरा और रंगा ने आकर उनको उठाया। उठने के बाद एंडरसन और वो दोनों लोग उनके द्वारा बांधी गई भैंसों का मुआयना करने के लिए वहाँ से चल पड़े। वो भैंस जो नाले के पास बांधी गई थी उसके पास ही में
उन लोगों को बाघ के पंजों के निशान दिखाई पड़े। बाघ रात में उस भैंस के आसपास आया जरूर था, लेकिन उसने उस भैंस को मारा नहीं था। अब वो सभी दूसरे भैंस की तरफ गए, उसके पास भी बाघ के पंजों के निशान दिखाई दिए, और हैरानी की बात ये थी, बाघ ने उस भैंस को मार डाला था। अब ये थोड़ी अजीब घटना थी, बाघ ने पहली भैंस को नहीं मारा था जबकि दूसरी भैंस को मार डाला था, जबकि पहली भैंस दूसरी भैंस से दिखने में अच्छी थी, मतलब वो पूरी तरह मांस से भरी पूरी थी। इस मारी गई भैंस का कुछ हिस्सा बाघ ने खा लिया था, और उसके बाद उसके पंजों से एंडरसन को पता चला कि वो यहाँ से दूर चला गया था। पूरी तरह से ये चांस था कि वो बाघ फिर से शाम होने पर अपने द्वारा किए गए शिकार पर लौटे, इसलिए एंडरसन ने रंगा और मायरा को निर्देश दिया कि पास ही खड़े एक ऊंचे पेड़ पर मचान बांध दिया जाए। एंडरसन पिछली रात ठीक ढंग से सो नहीं पाए थे, इसलिए वो वापस अपने कैंप में लौट गए, जहां उन्होंने फ्रेश होने के बाद नाश्ता पानी किया और नींद पूरी करने के लिए सो गए। रंगा और मायरा ने एंडरसन द्वारा प्रयोग की जाने वाली कैंप चेयर को मचान बांधने में प्रयोग किया। उन्होंने कुछ इस प्रकार से पेड़ पर उस कुर्सी को बांध दिया कि उस पर आराम से बैठा जा सकता था। उस कुर्सी पर बैठने के लिए मोटे तिरपाल की तरह दिखने वाले कपड़े का प्रयोग किया गया था, या कह सकते हैं कि कैनवास, मोटे कैनवास का प्रयोग किया गया था। शाम के समय एंडरसन वापस उस जगह पर लौट आए, और लगभग 4 बजे के करीब एंडरसन पेड़ पर बांधे गई उस मचान पर आकर बैठ गए। उन्होंने उन दोनों आदमियों को वापस कैंप में भेज दिया, और उसी मचान पर बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर शाम का आनंद लेने लगे। उनके सामने की तरफ 30 फुट की दूरी पर वो मरी हुई भैंस पड़ी हुई थी। पूरी शाम बीत गई, लेकिन बाघ के आने की कोई भी आहट एंडरसन को पता नहीं चली। कुछ रात बीत जाने के बाद एंडरसन को आभास हुआ कि कोई भारी जानवर उसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिस पेड़ पर वो बैठे हुए हैं। उनको सोचने समझने भर का भी समय नहीं मिला, तभी बाघ ने छलांग मारकर उन पर हमला कर दिया। बाघ ने अपने पंजों से एंडरसन जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे उस पर हमला किया। बाघ के बड़े बड़े नाखून लगने से कुर्सी में लगा मोटा कपड़ा फट गया था, और उसके साथ ही एंडरसन ने जो पैंट पहनी हुई थी वो भी फट गई थी। पैंट को छेदने के बाद बाघ के पंजों से एंडरसन के हिप्स में घाव बन गया था, जिससे अब थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। हालांकि चोट उतनी गहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये घातक हो सकती थी। ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी में हुई कि एंडरसन को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर तक एंडरसन ने अपने कानों को उस जगह पर केंद्रित किया, लेकिन बाघ की किसी भी गतिविधि का पता एंडरसन को नहीं चल रहा था। वो ये भी नहीं जानते थे कि बाघ अभी उसी जगह पर है या वहाँ से दूर चला गया है। अब एंडरसन के सामने एक विकट परिस्थिति थी, एक तरफ वो आदमखोर बाघ और दूसरी तरफ उसके द्वारा किया गया घाव। दोस्तों, जैसा जानते होंगे, बाघ जब शिकार करते हैं तो उनके नाखूनों में बार बार नया पुराना खून लगता रहता है, जिससे उसमें जहर बन जाता है, और अगर एंडरसन ने उस घाव की मलहम पट्टी नहीं की तो इन्फेक्शन होने का खतरा था, और सारी दवाइयाँ एंडरसन के कैंप में थी जो वहाँ से लगभग 2 मील दूर था। अगर एंडरसन अभी उतरकर जंगलों के बीच से होते हुए अपने कैंप तक जाने की कोशिश करें तो हो सकता है वो आदमखोर कहीं से भी हमला कर दे, और अगर वो पूरी रात इसी पेड़ पर बैठे रहे तब उनका घाव सुबह तक नासूर बन सकता था। एंडरसन को अब ये डिसाइड करना था कि वो करें तो क्या करें। उन्होंने हिम्मत बांधी और पेड़ से नीचे उतर आए। पेड़ से उतरने के बाद वो सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ से उनका कैंप लगभग 2 मील दूर था। इस घने जंगल से गुजरने में वो डरे डरे आगे बढ़ रहे थे।
हर पल उनको लगता है कि बाघ द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन उनकी किस्मत सही थी कि वो सही सलामत अपने कैंप तक पहुंच गए। कैंप में पहुंचने के बाद जब रंगा और मायरा ने उनको घायल देखा तो वो दोनों डर गए। एंडरसन ने अपने कैंप में रखी हुई दवाइयों को रंगा से मंगवाया और उन्होंने अपने घाव का प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद वो सोने चले गए। सौभाग्यवश उनके घाव सुबह तक कुछ हद तक ठीक होने लगे थे। जैसा कि उनको डर था इन्फेक्शन का, वो अब दूर हो चुका था। उसी दोपहर एंडरसन फिर से उस जगह पहुंचे जहां पर पिछली रात उन पर बाघ ने हमला किया था। रात में बाघ मारी हुई भैंस पर वापस नहीं लौटा था। पास ही में बांधी गई जो दूसरी भैंस थी वो भी सुरक्षित थी। अब कम ही गुंजाइश थी कि बाघ वहाँ फिर से लौटे। अब उन्होंने अपनी योजना बदली। पेड़ पर बैठने का अंजाम तो वो भुगत चुके थे, इसलिए उन्होंने अब योजना बनाई कि जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए और उसके मुंह पर बैलगाड़ी का पहिया रख के गड्ढे के मुंह को बंद कर दिया जाए और एक तरफ से पहिए को उठाकर उसके नीचे एक बड़ा पत्थर रखकर इतनी जगह बना दी जाए जहां से राइफल को निकालकर निशाना लगाया जा सके और सामने की तरफ एक भैंस को चारे के रूप में बांध दिया जाए। खैर, योजना पे काम हुआ। योजना के अनुसार एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया जिसके अंदर एंडरसन आराम से खड़े हो सकते थे। फिर उसके अंदर एंडरसन ने अपनी जगह ली और गड्ढे के मुंह पर बैलगाड़ी के पहिए को रख दिया। जिस तरफ से बैलगाड़ी के पहिया थोड़ा उठा हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर एक भैंस को बांध दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पहिए को मजबूती से कुछ खूंटे गाड़कर बांध दिया गया ताकि रात में कोई जानवर आसानी से उस पहिए को हटा ना पाए। एंडरसन ने अपनी जगह ले ली। अपनी जगह लेने के बाद एंडरसन ने रंगा और मायरा को वापस गांव की ओर भेज दिया। अब धीरे धीरे अंधेरा जब घना होता चला गया तब एंडरसन को ऐसा आभास हुआ कि उनके आसपास कोई भालू है। भालू को जैसे ही इंसानी शरीर की गंध मिली तब वो अजीब सी आवाज़ करने लगा। जंगल में भालू इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर वो भालू कुछ देर तक इसी तरीके से अजीब आवाज़ करता रहता तो आसपास जो बाघ वहाँ पे उपस्थित था उसको एंडरसन की उपस्थिति का पता लग सकता था और एंडरसन की सारी योजना पर पानी फिर सकता था। इसलिए उन्होंने ज़ोर से आवाज़ करके उस भालू को वहाँ से भगा दिया। अभी भालू को गए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी एंडरसन को आभास हुआ कि ठीक उनके गड्ढे के मुंह पर कोई भारी जानवर बैलगाड़ी के पहिए को खुरच रहा है। एंडरसन जानते थे कि इतना दुस्साहस सिर्फ वही आदमखोर बाघ ही कर सकता है, इसलिए वो एकदम चौकन्ना हो गए। वो तो अच्छा था कि बैलगाड़ी के पहिए को अच्छे ढंग से खूंटों से बांध दिया गया था, नहीं तो शायद उस दिन एंडरसन का अंतिम दिन होता। पहिए को हटाने के प्रयास में बाघ एकदम उस पहिए के ऊपर आकर पहिए को हटाने की कोशिश करने लगा। एंडरसन ने किसी तरह पहिए के बीच से बनी जगह में से अपनी राइफल को उस बाघ के पेट पर सटाकर फायर कर दिया। फायर होते ही बाघ उछलते हुए वहाँ से दूर हट गया और काफ़ी देर तक उस गड्ढे के आसपास बना रहा। अब थोड़ी देर में एक और समस्या खड़ी हो गई। कुछ ही देर में तेज मूसलाधार बारिश पड़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि 15 से 20 मिनट बाद ही आसपास की जगह का पानी उस गड्ढे में आकर भरने लगा। ऐसे में अगर कुछ देर इसी तरह एंडरसन उसी गड्ढे में रुके रहते तो गड्ढा पूरी तरीके से पानी से भर जाता है। एंडरसन ने धीरे धीरे प्रयास करते हुए खूंटे पर बांधी गई रस्सियों को खोला और पहिए को हटाकर वापस गांव की ओर चल पड़े। हालांकि वो जानते थे कि बाघ को घाव लगा है और साथ ही
बारिश होने पर सभी बाघ किसी घने पेड़ के नीचे या गुफा में चले जाते हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। लेकिन फिर भी ये बाघ आम बाघ नहीं था, ये तो आदमखोर बाघ था। पूरे रास्ते डरते डरते वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत उनके साथ थी। वो सुरक्षित गांव तक पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही वो देखते हैं कि रंगा और मायरा कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एंडरसन को रास्ते में मिले। वो लोग एंडरसन को वापस आता देख चकित हो गए। बारिश होने के कारण उस गड्ढे में पानी भर जाने की आशंका ने रंगा और मायरा को विवश कर दिया था कि वो एंडरसन को उस गड्ढे से निकालकर सकुशल वापस कैंप में ले आए। कैंप में पहुंचकर एंडरसन ने गीले कपड़ों को चेंज किया और फिर उन्होंने उन लोगों को आज उस गड्ढे में हुई पूरी घटना को विस्तार से बताया। पूरी घटना सुनने के बाद सभी लोग एंडरसन की बात सुनकर आश्वस्त हो गए कि बाघ को गंभीर घाव लगा हुआ है, जबकि एंडरसन जानते थे कि बाघ को बहुत हल्की चोट आई है। लेकिन बाकी लोगों का मानना था कि शायद अगली सुबह वो बाघ उन लोगों को कहीं मरा पड़ा मिले। एंडरसन दिन भर के थके थे, इसलिए वो सोने चले गए और पूरी रात निश्चिंत होकर सोते रहे। अगली सुबह एंडरसन, मायरा और रंगा तीनों उस जगह के लिए निकल पड़े जहां पर पिछली बार बाघ को गोली मारी गई थी। काफ़ी देर तक वो लोग बाघ को खोजते रहे, लेकिन रात की मोटी बारिश ने सारे निशानों को धो डाला था। इस वजह से उन लोगों को न बाघ के कोई पंजे का निशान मिला, ना किसी प्रकार के खून का। अब एंडरसन उन दोनों आदमियों के साथ वापस अपने कैंप में आ गए। शाम को भी उन्होंने उस बाघ को ढूंढना चाहा, लेकिन बाघ का कुछ अता पता नहीं चला। एंडरसन काफ़ी दिनों से इस गांव में रुके हुए थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो वापस अपने घर बेंगलोर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद अगर आदमखोर बाघ ने किसी भी आदमी को अपना शिकार बनाया तो वो लोग उनके पास सूचना भिजवा दें और वो वापस उन लोगों की मदद करने के लिए गांव में पहुंच जाएंगे। एंडरसन अपने घर बेंगलुरु के लिए निकल पड़े। उनके बेंगलुरु पहुंचने के अगले 10-15 दिन तक कोई घटना घटित नहीं हुई। फिर एक दिन उनको एक सूचना मिली कि बाघ ने एक गधे को अपना शिकार बना लिया है। गधे का शिकार जरूरी नहीं था कि उस आदमखोर बाघ ने ही किया हो, इसलिए ये खबर पाकर भी एंडरसन गांव नहीं लौटे। फिर उसके कुछ दिन बाद एंडरसन को एक और खबर मिली कि उस गांव के बैलगाड़ियों का एक काफिला बाजार से वापस गांव लौट रहा था। तभी जो सबसे पीछे बैलगाड़ी थी उसमें जो आदमी बैठा था उस पर बाघ ने हमला कर दिया था। बाघ के हमला करने के बाद वो आदमी अपनी बैलगाड़ी से कूदकर दोनों बैलों के बीच में आ गया था। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि बाघ किस तरफ गया। उसको मामूली सी चोट लगी थी। अगले दिन एंडरसन भी उस गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने उस आदमी से बात की जिस पर बाघ ने पिछले दिन हमला किया था। उस आदमी ने एंडरसन को उस जगह का सटीक सटीक अनुमान दिया जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। एंडरसन मायरा और रंगा को लेकर उस जगह की पड़ताल करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर उनको बाघ के ताजे पंजों के निशान जमीन पर दिखाई दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने पंजों का पीछा किया। पंजों का पीछा करने पर उनको पता लगा कि बाघ नीचे नदी की तरफ गया है। वो लोग धीरे धीरे पंजों का पीछा करते हुए नीचे ढलान की ओर बढ़ने लगे, लेकिन आगे चलकर जमीन पथरीली हो गई थी, इसलिए बाघ के पंजे के निशान जमीन पर नहीं थे। लेकिन एंडरसन को अब ये पता था कि बाघ आसपास ही है, इसलिए उन्होंने फिर से एक योजना बनाई। इससे पहले जब वो पेड़ पर बैठे थे तब बाघ ने उन पर हमला कर दिया था, और अगली बार जब वो जमीन के अंदर बैठे थे तभी भी बाघ ने उन पर हमला कर दिया था। दोनों ही मौके पर वो ऐसी पोजीशन में नहीं बैठे थे जिसमें वो अपने चारों तरफ देख सकें और अपनी राइफल को घुमाकर बाघ पर अपना निशाना लगा सकें। इसलिए अब उन्होंने सोचा कि किसी ऊंची जगह पर बैठा जाए जहां से अपने चारों तरफ की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
उन्होंने एक ऊंची जगह चुनी। उनको पता था कि बाघ कभी भी सामने से हमला नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पर आगे की तरफ नदी के ढलान थी, जिस पर बाघ आसानी से नहीं चढ़ सकता था, और उनके दाएं बाएं और पीछे की तरफ खुली ज़मीन थी, जिसमें अगर बाघ उन पर हमला करने आया भी तो वो उसे कुछ दूर रहते ही देख सकते थे। अपनी ये योजना उन्होंने रंगा और मायरा को बताई और उन दोनों को उस जगह से कुछ दूर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ाकर बैठा दिया और वापस उसी जगह पर आकर बैठ गए। उन्होंने रंगा से अपने कपड़ों की अदला बदली कर ली थी और सर पर एक पगड़ी बांध दी थी, जिससे बाघ को लगे कि ये कोई साधारण गांव वाला आदमी है। खैर, धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। हालांकि चांदनी रात थी, जिसकी वजह से एंडरसन को आसपास की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। दूर की चीज़ें उनको एक काली छाया की तरह दिख रही थी। आसपास की चीज़ों को उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने दिमाग में बैठा लिया था, ताकि किसी भी छोटी सी हलचल को वो तुरंत भाग सकें। वो काफ़ी चौकन्ना होकर अपने चारों तरफ नज़र मार रहे थे, लेकिन अभी तक बाघ नहीं आया था। तभी उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक हाथी मस्त चाल में अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उस हाथी ने अभी तक एंडरसन को नहीं देखा था, और हालांकि एंडरसन ऊंची जगह पर बैठे थे, इसलिए उन्हें उस हाथी से कोई खतरा नहीं था। हाथी जब धीरे धीरे पास आने लगा, तब उसे इंसानी शरीर की गंध आ गई। हाथियों के सूंघने की शक्ति प्रबल होती है। इंसानी गंध पाते ही हाथी जोर से चिंघाड़ा और वापस उसी जंगल की ओर चला गया जहां से वो आया था। अब एंडरसन जानते थे कि अगर बाघ आसपास ही है तो उसको हाथी के चिंघाड़ने से पता चल जाएगा कि यहां आसपास कोई इंसान मौजूद है। अब एंडरसन और ज़्यादा चौकन्ना हो गए। धीरे धीरे घंटे दो घंटे बीते होंगे, तभी एंडरसन जब अपनी गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं देख रहे थे, तभी उन्हें अपने दाहिने तरफ एक आकृति दिखाई दी। उनको ऐसा लगा कि ये आकृति पहले यहाँ नहीं थी, जो चट्टान जैसी दिख रही थी। लेकिन फिर भी उनके मन में शंका आ गई थी, इसलिए उन्होंने ये पता करने के लिए अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई और दूसरी तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक वो उसी तरफ देखते रहे और फिर एकदम झटके से उन्होंने वापस उसी तरफ गर्दन घुमाई जहां उन्हें उस आकृति की आशंका थी। उन्होंने देखा वो आकृति अब कुछ पास आ गई है और एकदम स्थिर जमीन पर पड़ी हुई है, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। एंडरसन को अब यह आभास हो गया था कि हो ना हो ये कोई खतरनाक जंगली तेंदुआ है या फिर वही आदमखोर है। एंडरसन ने धीरे धीरे अपनी राइफल का मुंह उस तरफ किया और अपने मुंह को सामने की तरफ करते हुए तिरछी नज़रों से उस आकृति की ओर देखने लगे। उनका मुंह सामने की तरफ था और वो अपने दाएं तरफ तिरछी नज़रों से देख रहे थे। वो जानवर बड़ी ही धीरे धीरे और ज़मीन से सटकर एंडरसन की तरफ इंच बाय इंच बढ़ रहा था। जब वो आकृति इतनी पास आ गई कि उस पर गोली दागी जा सकती थी, तब एंडरसन ने अपनी राइफल पर लगे हुए टॉर्च को ऑन किया। टॉर्च ऑन करते ही उनके सामने बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य था। उनके सामने एक भरा पूरा बाघ था, जो वही आदमखोर था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उस बाघ ने चौंक कर अपनी गर्दन को उठाया। उसके गर्दन उठाते ही एंडरसन ने एक गोली उसके सिर में उतार दी। गोली चलाने के साथ ही उस बाघ ने भी छलांग मार दी थी, और जब वो एंडरसन तक पहुंचने ही वाला था, तभी एंडरसन ने दूसरी गोली भी उसके शरीर में उतार दी। गोली के आवेश से वो बाघ एंडरसन से सिर्फ एक या दो फीट पहले ही गिर पड़ा और ज़मीन पर छटपटाने लगा। एंडरसन ने टॉर्च जलाकर उस बाघ का मुआयना किया और रंगा और मायरा को आवाज़ लगाई। जब तक वो दोनों यहाँ पहुँचे, तब तक बाघ ने दम तोड़ दिया था। पास आकर रंगा और मायरा उस बाघ को देखकर काफ़ी खुश हुए
और साथ ही वो दोनों बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि इस बात को मानने के अभियान में वो दोनों एंडरसन के साथ थे। वो अब बड़े गर्व से अपने गांव वालों को बता सकते थे कि इस आदमखोर से मुक्ति दिलाने में उन दोनों का भी हाथ है। अगली सुबह दिन के उजाले में एंडरसन ने जब इस बाग का मुआयना किया तब उन्होंने पाया कि बाग के अगले पंजे में एक गोली आकर धसी हुई थी जिसके कारण उसके पंजे में घाव बन गया था। इसी कारण से ये बाग अपने नेचुरल शिकार को पकड़ नहीं पा रहा था और वो इंसानी शरीर पर डिपेंडेंट हो गया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस प्रकार की कहानियाँ सुनना अच्छी लगता है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।